प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का तो दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के ठीक है ना हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक प्रश्न जो कि हिंदी के अलग अलग टॉपिक से लिया गया है बिल्कुल अगर आप बी एस पी टेट या फिर ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी हैं जिसमें हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच करना है एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है किस प्रकार से विश्लेषण के आधार पर चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा और क्यों होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है ठीक है ना तीन यहाँ पे विशेषण है और एक शब्द विशेषण नहीं है उसको आपको ढूंढना है तो दोस्तों निम्न में से किस विकल्प में विशेषण नहीं है पहला ऑप्शन है है दूसरा है आधुनिक तीसरा है सुंदर चौथा है कर्तव्य राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों किस विकल्प में विशेषण नहीं है दोस्तों बात करें विशेषण की देखिए उपरोक्त तो जो तीनों ऑप्शन है इसमें देखिए आपके विशेषण शब्द है ठीक है ना इन तीनों में आपके विशेषण है लेकिन कर्तव्य में नहीं है ठीक है ना कर्तव्य में आपके जो है विशेषण नहीं है तो यही आपका राइट हो जाएगा अब आप कहेंगे सर कर्तव्य में अगर विशेषण नहीं है तो क्या है तो दोस्तों कर्तव्य में है जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है संज्ञा है ठीक है ना भाववाचक आपकी संज्ञा है इसमें विशेषण नहीं है इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है निम्न में से यहाँ पे निम्न में से किस शब्द में सही संधि का उल्लेख नहीं है ठीक है ना दोस्तों अगर आप बी एस टी सी कर रहे हैं या फिर पीटेड कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें देखिए संधि से मिनिमम तीन प्रश्न आते हैं ठीक है ना संधि से मिनिमम कितने प्रश्न आते हैं तीन आते हैं और तीन से ज्यादा भी आ सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको तीन प्रश्न तो दिखेंगे तो संधि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है और समाज से आपके मिनिमम दो प्रश्न आते हैं ठीक है ना संधि और समाज से आपके पांच या छह प्रश्न जरूर आते हैं तो दोस्तों किस शब्द में सही संधि नहीं है पढ़ती यण संधि दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी दीर्घ संधि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ए ए लिखा हुआ है तो आप दो कर लीजिएगा यहाँ पे तीसरा महो है महोदय गुण संधि चौथा है अत्यधिक दीर्घ संधि तो देखिए दोस्तों प्रत्येक यण संधि बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा विद्यार्थी दीर्घ संधि बिल्कुल यहाँ पे विद्या और अर्थी हो जाएगा दीर्घ संधि होगी महोदय गुण संधि हो जाएगी महा और उदय ठीक है ना यही संधि सही है लेकिन दोस्तों जो चौथा ऑप्शन आपका अत्यधिक अत्यधिक में दीर्घ संधि ना होकर क्या होगी यण संधि होगी ठीक है ना अति और अधिक ई और अ मिलकर यह बनाते हैं इसलिए दोस्तों इसमें दीर्घ संधि यण संधि होगी तो यही आपका गलत हो जाएगा इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है अगला प्रश्न देखे किस विकल्प में सभी वर्ण क्या है गोश है ठीक है ना कौन से विकल्प में क्या है सभी गोश है देखिए दोस्तों किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है गोश होता है अब यहाँ पे देखिए स और स ये तो आपके गोष नहीं है च और छ ये भी गोष्ठ नहीं है त और थ ये भी गोष्ठ नहीं है लेकिन ज और ज यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा व्यंजन है ठीक है ना तीसरा और चौथा है तो यही आपका राइट हो जाएगा गोश अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चौथा शब्द है चौथा प्रश्न है उन्नति शब्द में कौन सी संधि है ठीक है ना उन्नति शब्द में कौन सी संधि है पहला स्वर व्यंजन विसर्ग या फिर कोई नहीं ठीक है ना दोस्तों उन्नति का संधि विचित करके देखे तो उद उद और नति ठीक है ना उद और नति आपका सही संधि विचित होगा और दोस्तों यहाँ पे उत नहीं आएगा ठीक है ना उत अगर आप करते हैं तो वो गलत हो जाएगा सही उपसर्ग आपका उद होगा तो उद और नति मिलकर क्या बनाते हैं उन्नति बनाते हैं और इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पांचों प्रश्न है मनुष्य शब्द का तद्भव क्या होगा पहला है मानव दूसरा मनुज तीसरा है मनु चौथा है आदमी तो दोस्तों इसमें समझाने की जरूरत नहीं है आपको कुछ मनुष्य का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा मनुज ठीक है ना मनुष्य आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा मनुज अगला प्रश्न है मुरारी शब्द में कौन सा समास होगा पहला है अवयभाव दूसरा तत्पुरुष तीसरा कर्मदारी और चौथा है बहुव्रीही दोस्तों यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे बी कर लेना आप बी ऑप्शन मुरारी शब्द की बात करें तो दोस्तों मुरारी का अगर समास विग्रह करता हैं, तो मुर के जो अरी है तो है ना मुर एक राक्षस का नाम है और मुर के जो अरी है ठीक है ना वो कृष्ण कहलाते हैं कृष्ण कहलाते हैं और तीसरा अर्थ निकलने के कारण यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा बहुग्री समास हो जाएगा अगला प्रश्न है किस शब्द में अप्रत्यय महत्वपूर्ण तो प्रश्न है दोस्तों किस शब्द में अप्रत्यय पहला है बचत दूसरा है धावक तीसरा है दानव चौथा है घुटन अब देखिए दोस्तों प्रत्यय की बात करें पहले ऑप्शन में बच और अत प्रत्य ठीक है ना कौन सा प्रत्येक अत प्रतिय दूसरे में धाव और अक प्रत्ये ठीक है ना और चौथा ऑप्शन में गुट और अन प्रत्यय हो जाएगा ठीक है ना गुट प्लस अन प्रत्यय तो इन तीनों में तो आपके नहीं है लेकिन दोस्तों दानों में तो अगर आप देखें तो और अ बनता है ठीक है ना दनु और अ तो इसी में आपका जो क्या है अ प्रतिय है ठीक है ना तो यही आपका राइट हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को मैं विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी से क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आठवा प्रश्न है मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ होगा पहला है गुस्से में होना दूसरा विजय प्राप्त करना तीसरा गायब हो जाना चौथा है असंभव कार्य करना दोस्तों ये मैदान मारना मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है मैदान मारना यानी कि विजय प्राप्त करना सफलता प्राप्त करना यही आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नंबर प्रश्न है जूट के पैर नहीं होते लोकोक्ति का सही अर्थ है ठीक है ना पहला ऑप्शन है झूठ चल नहीं सकता दूसरा झूठ अतिक दिन तक नहीं चल सकता तीसरा अकर्मणीय बात करना चौथा है दूर तक पहुंचना तो दोस्तों जिस प्रश्न में समझाने की बात होगी मैं समझा दूंगा झूठ के पैर नहीं होते इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका झूठ जो है अधिक दिन तक नहीं चल सकता दसवा प्रश्न है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है ठीक है ना विलोम शब्द का कौन सा युग में सही है पहला है घरेलू या पालतू दूसरा है साफ अभिशाप तीसरा है समास और व्यास चौथा है अविजित विजेता दोस्तों बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कौन सा युग में सही है दोस्तों घरेलू और पालतू तो ये दोनों तो पर्यायवाची हो जाएंगे साप और अभिशाप ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे विजेता और अविजित जो है ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे ये विलोम शब्द नहीं है लेकिन समास और व्यास ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है अगला ऑप्शन है करण कारक का चिन्ह है दोस्तों कारक आपके सात आठ कारक है उन सभी के आपको कारक चिन्ह याद कर लेना है क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछ लेता है कभी कभार पहला ऑप्शन है को दूसरा है से द्वारा तीसरा है से अलग चौथा है के लिए अब देखिए दोस्तों को किसका है कर्ता ने कर्म को यानी कि इसका कर्म कारक का है यह चिन्ह से द्वारा यही आपका राइट हो जाएगा ठीक है ना जो बी ऑप्शन है यही आपका राइट हो जाएगा से द्वारा जो है वो करण कारक का चिन्ह है से अलग ये किसका हो जाएगा अपादान कारक का ठीक है ना अपादान कारक का यह चिन्ह हो जाएगा सभी के मैं बता रहा हूं ठीक है ना इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता है अब के लिए इसका ये किसका हो जाएगा संप्रदान का हो जाएगा चौथा जो ऑप्शन है किसका के लिए किसका हो जाएगा संप्रदान का हो जाएगा चारों का मैंने बता दिया तो दोस्तों करण कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा से द्वारा ठीक है ना दूसरा ऑप्शन आपका राइट है अगला प्रश्न है निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है पहला है सोमरस दूसरा है त्रिलोचन तीसरा है चार पाई चौथा है नवरत्न राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इन तीनों में ठीक है ना सोमरस सोमरस में भी आपके देखिए बहुरी समास हो जाएगा क्योंकि इसमें तीसरा जो अर्थ निकल रहा है वो मदिरा के लिए है सोमरस देवताओं का पान करते हैं तो इसमें तीसरा अर्थ निकलेगा ये तो नहीं है दूसरा त्रिलोचन भगवान शिव के लिए है तो इसमें भी द्विगु समास नहीं होगा चार पाई तीसरा अर्थ निकल रहा है खटिया तो इसमें भी द्विगु समास नहीं होगा इन तीनों में आपके बहुरी समास है लेकिन दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है नवरत्न ठीक है ना नवरतन में आपका जो है नौ रत्नों का समूह द्विगु समास हो जाएगा यही आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्न है गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ तो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो मुहावरे का सही अर्थ है पहला है ज़्यादा बोलना दूसरा कमजोर पड़ना तीसरा है दुर्लभ होना चौथा है बहुत वर्षा होना गुल्लर का फूल होना बिल्कुल सिंपल है गुल्लर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना आपका सी एकदम राइट हो जाएगा जिन प्रश्नों में समझाने की जरूरत होगी विश्लेषण करने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा चौदह प्रश्न है निम्न में से तद्दित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है तद्दित प्रत्यय किसे कहते हैं ऐसे प्रत्यय है जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके पीछे लगते हैं उन्हें तद्दीत प्रत्यय है कहते हैं पहला ऑप्शन है घुमाव दूसरा कटौती तीसरा पढ़ाई चौथा है भोलापन दोस्तों ये दोनों देखिए क्रिया कि क्रिया के पीछे लगकर प्रति बने ये क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके कृत प्रत्यय ठीक है ना ये कृत प्रत्यय है लेकिन चौथा जो ऑप्शन है भोलापन बोला क्या हो गया विशेषण हो गया ठीक है ना बोला क्या हो गया विशेषण हो गया तो इसमें तद्दित पड़ती है ठीक है ना डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पंद्रह प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है ठीक है ना कौन सा शब्द तद्भव है पहला है नीरज दूसरा कपूत तीसरा कृषक चौथा है तरण तो दोस्तों इसका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका कपूत कपूत क्या है तद्भुव और इसका जो तत्सम है वो बनेगा कुपुत्र ठीक है ना ये इसका तत्सम बन जाएगा इसलिए यही आपका राइट हो जाएगा सोलह प्रश्न है दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है पहला है दू दूसरा है दूर तीसरा है दुष्ठ चौथा है दुष्उ उपसर्ग देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दुष्कर शब्द का आप अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है ठीक है ना दुष्क और कर व्यंजन संधि हो जाएगी और दोस्तों कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका उपसर्ग ठीक है ना सी आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों सत्रवा प्रश्न है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है पहला है राम नहाता है दूसरा है कोयल उड़ती है तीसरा बाबूलाल पढ़ता है चौथा मैं जाता हूं बहुत महत्वपूर्ण तो प्रश्न है जो अच्छे से हिंदी को जिसने पढ़ा है वही इसका आंसर दे सकता है सकर्मक क्रिया जिसमें क्या होता है कर्म मौजूद रहता है ठीक है ना कर्म मौजूद रहता है अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाबूलाल पढ़ता है अब इसमें कर्म देखे प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है लेकिन कर्म छुपा हुआ है बाबूलाल पढ़ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा है चाहे किताब पढ़ रहा है चाहे कोई और चीज पढ़ रहा है लेकिन पढ़ रहा है तो यही आपका सकर्म क्रिया का उदाहरण हो जाएगा सी आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्न है अठारहवा जो शीघ्र प्रश्न हो जाए के लिए एक शब्द है पहला है आश्वस्त दूसरा आशुतोष तीसरा है प्रसन्नचित चौथा अप्रत्याशित तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे आशुतोष बोला जाता है बी आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्न है संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा पहला है संस्कृत दूसरा है संस्कार तीसरा सांस्कृतिक चौथा है सुसंस्कृत तो दोस्तों संस्कृत शब्द से जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक ठीक है ना सी आपका राइट हो जाएगा बीसवा प्रश्न है लहू का गूट पीना मुहावरे का सही अर्थ है पहला व्यर्थ प्रयास करना दूसरा है खून बह जाना तीसरा है क्रोध को दबाना चौथा है जवाब ना दे पाना दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करना क्योंकि इतनी बारीकी से विश्लेषण के आधार पर आपको कोई नहीं बताएगा और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आपके राजस्थान जी के हिंदी की या फिर और किसी की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण तो होने वाली है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दोस्तों लहू का गुट पीना इसका सिंपल का आंसर हो जाएगा क्रोध को दबाना ठीक है ना सी आपका राइट हो जाएगा इक्कीसवा प्रश्न है लालिमा शब्द में प्रयुक्त तो प्रत्ये है पहला है माँ दूसरा इमा तीसरा है लीमा चौथा है आ तो दोस्तों लालिमा में जो पड़ती है वो हो जाएगा इमा चाहे वो लालिमा हो गरिमा हो कोई भी शब्द हो तो इसमें क्या हो जाएगा इमा प्रति हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा बाईसवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ठीक है ना शुद्ध या शुद्धि से संबंधित प्रश्न है पहला है इत्र के भीतर सुगंध है दूसरा कुएं पर कौन गिर गया है तीसरा ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है चौथा है वह कमीज डालकर सो गया ठीक है ना इसका आंसर बताया तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है अब ये गलत क्यों है क्योंकि दोस्तों इत्र के भीतर सुगंध यहाँ पे इत्र के भीतर नहीं होगा बल्कि सिंपल सा वर्ड हो जाएगा इत्र में सुगंध है ठीक है ना मैं होगा अब कुएं पर कौन गिर गया यहाँ पे पर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर भी क्या आएगा मैं आएगा इसलिए यह गलत है अब चौथा ऑप्शन है वह कमीज डालकर सो गया डालकर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा वह कमीज पहनकर सो गया ठीक है ना तो इसी कारण ये गलत है और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अब निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है ठीक है ना पहला है सन, दूसरा है लक्षण तीसरा है राजनीतिक तो ना यहाँ पे बी ना होकर यहाँ पे क्या आएगा बी होगा तो ये तो गलत है दूसरा में लक्षण बिल्कुल ये राइट है तीसरा में राजनैतिक नहीं आएगा बिल्कुल राजनीतिक आएगा ठीक है ना इसी कारण ये गलत है चौथे में प्राणी जो है यह की मात्रा इस तरफ लगेगी इसी कारण दोस्तों ये गलत हो जाएगा जबकि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका लक्षण बिल्कुल सही है शुद्ध है तो बी आपका राइट right हो जाएगा चौबीसवाशन है किस शब्द में तत्पुरुष समाज है पहला है आजन्म दूसरा है घनश्याम तीसरा अनिच्छा चौथा है तिरंगा राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों अब देखिए दोस्तों आजन्म आजन्म में जन्म भर यानी कि अव्यवाग समाज है ठीक है ना घनश्याम में आप देखें तो इसमें देखिए कर्मदारी समाज भी है और आपका बहुवीर समाज भी है ठीक है ना दोनों समाज है लेकिन तत्पुरुष नहीं है तिरंगा में देखे तो इसमें भारत का जो है ये तिरंगा राष्ट्र आपका फ्लैग है तो इसमें जो तीसरा अर्थ निकल रहा है तो इसमें भी बहुरी है लेकिन दोस्तों अनिच्छा अनिच्छा में आपका क्या हो जाएगा तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा और कौन सा तत्पुरुष अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के तो इसमें देखिए नंच तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा ठीक है ना इतनी बारीकी से कोई नहीं बता दोस्तों सी आपका एकदम राइट हो जाएगा और दोस्तों ये आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ठीक है ना कौन सा वाक्य अशुद्ध है और दोस्तों आप बी एस टी सी आप रिपीटेड दो हजार इक्कीस की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए वहां पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिल जाएगी और आपको राजस्थान जी के हिंदी की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो

पानी का एक गिलास दीजिए यह तो बिल्कुल सही वाक्य है दूसरा है उस पेड़ के फल मीठे है यह भी बिल्कुल सही है हमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है ठीक है ना और चौथा प्रश्न चौथा ऑप्शन देखे कर्तकनाथ से बड़ा कोई पाप नहीं है तो यह भी आपका राइट हो जाएगा लेकिन दोस्तों प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते यही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रत्येक घोड़े यहाँ पे घोड़े नहीं आकर घोड़ा आएगा सिर्फ घोड़ा आएगा क्योंकि इसके आगे क्या लग गया प्रत्येक लगक प्रत्येक लग गया तो यहाँ पे घोड़े ना आकर क्या हो जाएगा घोड़ा लगेगा इसी कारण ये अशुद्ध है इसके अलावा यहाँ पे होता आएगा ठीक है ना होते नहीं आएगा बल्कि होता आएगा ठीक है ना तो दोस्तों इसी कारण ये वाक्य क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा यही आपका राइट हो जाएगा तो दोस्तों हिंदी ग्रामर के 25 से तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है एक एक प्रश्नों को मैंने बारीकी से विश्लेषण के आधार पर आपको बताया उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों और भी वीडियोज आएगी चैनल पर तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में